नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड राज्य में नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद 5 तारीख का समय दिया गया था विश्वास मत प्रस्ताव करने के लिए। और इसके साथ ही साथ बता दें कि चंपई सरकार का कल फ्लोर टेस्ट होना है विधानसभा में। तो आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये जो फ्लोर टेस्ट है, क्या इसमें चंपई सरकार पास हो पाएगी या खेला होगा। तो इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है, बता दें, शोभा यादव जी, जो कि बीजेपी से भाजपा से नेता है, और उनके साथ ही कृतिका त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस से है। इन दोनों से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कृतिका जी से कि बताइए, आपकी जो गठबंधन की सरकार है, कल विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में कितना पास हो पाएगी? देखिए, जो हमारी गठबंधन की सरकार है, अगर उसकी बात आप करें तो कल के फ्लोर टेस्ट में हम अपनी बहुमत साबित करेंगे, जो हमने पहले भी किया है, और हम बिल्कुल पास होंगे और हमारी सरकार बनेगी और चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, शोभा जी, क्या लगता है कि जो चंपई सरकार जो बनी है, कल कितना पास हो पाएगी, ये रिजल्ट क्या बताएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि इन्होंने अभी कहा कि मेरी सरकार बनेगी और फ्लोर टेस्ट होगा और हम पास होंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है अपने विधायकों को, तो वो हैदराबाद जैसे रिसोर्ट में क्यों छिपा के रखा गया? क्या अपने विधायकों पे भी इनको विश्वास नहीं है? या विधायक अपना जो एक नेता मानते थे जेएमएम के हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन का, वो विश्वास भी खो चुके हैं? क्योंकि विधायक इनसे संभाल नहीं रहे, उनको कड़ी निगरानी में वो दूसरे राज्य में ले जाके रखा गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे विधायक इनके? लेकिन शोभा जी, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायकों को बाहर ले जाया जा रहा है, बता दें कि अर्जुन मुंडा के भाजपा सरकार में भी ऐसा पहले हो चुका है, जब विधायकों को दूसरे राज्य ले जाया गया हो। नहीं, ऐसा तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी जो अभी मैंने न्यूज में पढ़ा कि 2-3 विधायक, जैसे बसंत सोरेन, सीता सोरेन और एक आध विधायक के बारे में पता चला, तो हैदराबाद में है ही नहीं, मिसिंग है। इसका मतलब है इनके विधायक तो अपने भाग रहे हैं, वो सरकार को क्या चलाएंगे, सरकार को क्या सपोर्ट करेंगे? कल फ्लोर टेस्ट में अगर विश्वास होता तो सारे विधायक एकजुट होते। कृतिका जी, आप कह सकती हैं, कहिए क्या कह रही हैं? मैम ने जैसे प्रश्न कहा कि हमको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न उल्टा जवाब के तौर पे ये कहना चाहूंगी कि हम अपने परिवार की हिफाजत जरूर करते हैं। किन से करते हैं? बुरे लोगों से, गलत लोगों से। जैसे बीजेपी का चाल चरण है, ना वो अपने लोगों के हो पाए, ना वो परिवार के हो पाए, ना वो राष्ट्र के हो पाए, तो हमको अपने विधायकों को जरूर बचाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, बिहार, मेघालय, नागालैंड, पांडुचेरी, सब जगह इनकी मिलीजुली सरकार है, सब जगह इन लोग तोड़ मरोड़ के सरकार बनाते आए, इनकी कहीं इन जगह पे बहुमत नहीं है। तो इनका काम है साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, हर तरीके से जहां पे सरकार इनकी नहीं है वहां टॉर्चर करके कैसे भी खेला करे। जो आपने कहा खेला होगा, बिल्कुल बीजेपी का काम है खेला करना, और हमारा काम है अपने लोगों को हिफाजत से रखना और सुरक्षित रखना, कि ये अपनी गंदी राजनीति जो ये करते आए हैं, वो गंदी राजनीति, जैसे इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर के समय किनारे कर दिया, जो जीवन भर लड़ते आया, जैसे इन्होंने अटल जी का उनकी मौत का भी फायदा उठाया, तो वो कांग्रेस की और महागठबंधन का काम नहीं है। इसलिए हम अपने विधायकों को हिफाजत करें। और फ्लोर टेस्ट की बात आप कहें तो गवर्नर तो इनके फेल हुए, गवर्नर की तो इसमें गलत राजनीति देखी गई है। 24 घंटे इन्होंने समय लिया सरकार बनाने के लिए, और आप एक वीडियो हर न्यूज में वायरल हो रहा है, हमारे विधायक 1-2-3 करके गिनती गिन के बता रहे हैं कि भाई हमारी मेजोरिटी है, हम सरकार बनाने के लिए रेडी हैं। समय तो इन्होंने मांगा, इसलिए मांगा कि ये कैसे भी किसी को मारे पीटे, किडनैपिंग, सीबीआई, ईडी, कैसे किसको परेशान करे, खरीद सके और टॉर्चर करके अपने पक्ष में ला सके, क्योंकि थूक के चाटने का काम बीजेपी का है। और हाल फिलहाल में बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट, शोभा जी क्या कहेंगे, बड़े आरोप लगा रही है कृतिका जी, कह रही है थूक के चाटने का काम है बीजेपी का। इनकी आदत है चोरी करो और ऊपर से सीना जोरी करो। आप कोई बीजेपी सरकार या किसी सरकार ने इनको लूटने के लिए कहा था? ये गठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम का, ये तीनों मिलके जो झारखंड को लूटने का काम किया, वो बीजेपी ने कहा था आपको करने के लिए? आप लूटोगे, गलत करोगे तो जेल जाओगे, और आपको कोई सत्ता में रहने का बिल्कुल हक नहीं है। आप आरोप लगा सकते हो केंद्र में सरकार है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, तो आरोप आप लगा
बताइए गलत काम सिर्फ कांग्रेस और दूसरी पार्टी ही करती है। जैसे ही लोग आपके पार्टी में जाते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे वो कोई हो, वॉशिंग मशीन से बीजेपी साफ कैसे कर देती है? वॉशिंग मशीन आपको मिलता कहाँ है कि सारे क्रिमिनल अच्छे हो जाते हैं आपके पार्टी में जाकर? ये आप देख सकते हैं कि कितने केस दर्ज है झारखंड को बदनाम करने का काम किया। बिल्कुल आप पूरे हिंदुस्तान में शोभा जी केस दर्ज की बात कर रहे हैं। बता दें शोभा जी कि मेरी सवाल सुन लीजिए, आरोप है विपक्ष का कि पांच मंत्रियों पे आरोप लगे हैं कि पांच साल में दोगुना बढ़ गए उनकी आय, इस पर क्या कहेंगे आप? अपने मंत्रियों की बात करें ना, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, जेएमएम की बात करें, जेएमएम के आसपास जितने लोग थे सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और सब आज जेल खट रहे हैं और उनपे कितनी केस चल रहा। आप अपने जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग थे उनपे उनकी बात करें कि उन्होंने कितने केस में फंसे हुए हैं। आप तो बिल्कुल दलदल में फंसे हुए हैं, आप तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन शोभा जी बड़ा सवाल ये उठता है कि कल जो फ्लोर टेस्ट है इस पर आपकी सरकार भाजपा इसे कैसे देखती है? क्या तमाम विधायक जो हैदराबाद शिफ्ट करे गए थे, ये जो शिफ्टिंग पॉलिटिक्स चल रही है वो काम आएगा कल विधानसभा में? देखिए हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार हो यहाँ की जनता झारखंड की जनता के उन्नति और विकास के लिए सोचे और वैसी सरकार बैठे। ऐसा सरकार ना बैठे कि किसी को आगे करके पीछे से लूटने का काम फिर शुरू हो। तो ऐसी सरकार को यहाँ के विधायक की बात करती है तो बाबूलाल मरांडी जी से अच्छा है, भुक्तभोगी कौन होगा जो पानी पीते थे भाजपा को गाली देते थे, जिनको रात को नींद नहीं आती थी, वो बयान देते थे कि भाजपा सरकार इतना गलत कर रही है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, अपने झारखंड वासियों की चिंता करते, जो कल पीपी के गाली दे रहा था आज वो आपका नेता है। चलिए ठीक है कृतिका जी, आपकी सुन लेते हैं हम। शोभा जी आपके पास आएंगे दोबारा, क्या कह रही है कृतिका जी बताइए। और जब हम कह रहे हैं तो कृतिका जी को नहीं कहना चाहिए, जब वो कह रही थी तो हम नहीं कह रहे। तो अपने क्षेत्र में विधायक को तैयार होना चाहिए, एक भ्रष्टाचारी सरकार को अगर वोट करके फिर से फ्लोर टेस्ट में पास करते हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने लगातार जो चार साल से लूटती रही है सरकार जी। जवाब तो आप जो कह रही है तो विधायक को अपनी अंतरात्मा की आवाज। शोभा जी जवाब जो आप कह रही है, एक और सवाल जो है झारखंड की जनता जानना चाहती है, जब बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस के साथ जुड़ रहे थे, तुरंत एक घंटे के अंदर ही उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया, लेकिन झारखंड में उलटफेर देखने को मिल रही है। राज्यपाल जो है 24 घंटे तक उन्होंने जो है इंतजार करवाया और सीधे केंद्र से बात कर गृह मंत्रालय पर उन्होंने इस पूरे विचार विमर्श किया, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगी? देखिए कहीं का भी सरकार अगर तुरंत जाती है तो विचार विमर्श करके ही सोच समझ करके ही बिहार में बिहार में ये पॉलिसी लागू नहीं हो रही थी शोभा जी, जब आपके पार्टी में नीतीश जी जुड़ रहे थे तब? देखिए बिहार का अपना अलग राजनीतिक कहानियां है और यहाँ झारखंड की अलग है। यहाँ आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार थी, तीनों मिलके तीनों विधायकों में बिहार की कहानियां अलग क्यों है शोभा जी? क्योंकि वहां भाजपा की अलायंस बन रही थी, इसलिए जुड़ रहे थे। जी जी बिल्कुल सही मैम, बीजेपी का गठबंधन हो रहा था। अगर ये भाजपा के अलावा किसी और का होता तो महीने दो महीने लग जाते। इनके कितने नेता हैं जिनके ऊपर अभी बलात्कार साबित हुआ है, आज तक उनको ना पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। चलिए कृतिका जी आपके भी सुनेंगे, शोभा जी को जवाब दे देने दीजिए कि झारखंड और बिहार में क्या फर्क है, क्या अलग है, क्योंकि सरकारें अलग है। राजनीति परिस्थितियां जैसी होती है चाहे वो झारखंड हो चाहे बिहार हो, जैसा होता वैसा लोग परमिशन में काम किया जाता है। वैसे हमारे राज्यपाल ने अगर समय लिए, आप झारखंड के राज्यपाल ने समय लिए तो कुछ परिस्थिति होगी उस टाइप का, पहले तो वो तो फिर तो नेता दिए ही है बनाने के लिए। इनको बोल लीजिए, ये बोल रहे थे मैम हम कि झारखंड और बिहार में यही अंतर है कि बिहार में सरकार बनाने वाली पार्टी थी भाजपा, और जहां भाजपा की बात आती है कोई अगर दूसरे पार्टी का व्यक्ति हो उसमें ये जीवन भर उसको गालियां देते हैं कि इसने काला धन रखा है, इसने ये किया है, इसने वो किया है। जैसे ही वो भाजपा पार्टी में आता है वो व्हाइट कॉलर पर्सन हो जाता है, वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप झारखंड बिहार की बात करेंगे तो यही बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए अमित शाह ने कहा था कि मैं मंच
से कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अगर चुनाव के बाद सपना देख रहे हैं कि भाजपा में उन्हें जगह मिलेगी तो वो बिल्कुल गलत है। पर इनकी भाजपा सरकार थूक के चाटने में, जैसे मैंने पहले कहा था, सबसे आगे है। और रातों रात इनको समय नहीं मिला। नीतीश कुमार जिनको ये दिन और रात गाली देते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल करके वही अगर बोल लेंगे फिर आप बोलिएगा। वही अगर ये झारखंड की बात करती है, आप सत्ता में आते आप उसको छल कीजिए और लूट लीजिए झारखंड को। क्या बीजेपी सरकार ने आपको कही थी? आप साबित कीजिए। नीतीश कुमार को मैम आप कल तक बताया। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार के लिए जो अमित शाह ने बयान दिया एक महीने पहले, हम उस बयान को माने कि अभी माने सरकार बोलिए, आपके से निकले शब्द वापस नहीं आते। आपके नेताओं की हम कौन सी बात माने? जो वो नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे वो बात माने? कि आज जो नीतीश कुमार को साथ बैठाए हैं पलकों पर वो बात माने? आपके झारखंड के नेता की कौन सी बात माने? जो वो पानी पीती कर झारखंड के लोगों के लिए चिंता व्यतीत कर रहे थे। कृतिका जी, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आपकी सरकार को शोभा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, गठबंधन सरकार को अपने अलायंस पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और ये तमाम जनता भी देख रही है कि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, शिफ्टिंग पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ना। और बाबूलाल मरांडी जी जो कह रहे हैं कितनी सत्यता है इसमें कृतिका जी? अच्छा मैम, मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग एक करूंगी आपके जैसे बड़े, और कई न्यूज चैनल में बाबूलाल मरांडी जी का एक और बयान चला था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं चिंतित रहता हूं झारखंड वासियों के लिए, भाजपा सरकार ऐसा लूट फिरौत का काम कर रही है। कल उन्होंने कुछ समय पहले उन्होंने ये बयान दिया था, आज वो ये बयान दे रहे हैं, आप उनकी कौन सी बात मानेंगी? अगर आप वैसे अगर आपके विधायक झारखंड में ही रह जाते कृतिका जी तो ये सवाल ही नहीं खड़े होते, सवाल खड़े होने का मौका तो आपकी सरकार ने दिया है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप एक बात बताइए, अगर हम एक परिवार हैं, हम अपने परिवार के लोगों की चिंता करें कि ना करें? हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, बिहार, कई जगह है जहां भाजपा ने गंदी राजनीति। अभी आपने मेयर का चुनाव देखा होगा चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आपके 20 वोट थे, भाजपा की उनसे कई कम वोट थे। मेयर कौन से पार्टी का बना? भाजपा का बना। कैसे बना? जब आप मेयर के चुनाव में जो पेपर पे हो रहा है वहां आपने आप गलती कर सकते हैं, गंदगी कर सकते हैं, तानाशाह सरकार को सबसे आएंगे। शोभा यादव जी, मेरा सवाल आपसे, शोभा यादव जी सुन लीजिए सवाल, आप शोभा यादव सवाल सुन लीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। कृतिका जी सीधा सीधा आरोप आपकी सरकार पर लगा रही है, यानी कि कह रही है भाजपा के राह पर चल रही है झारखंड की गठबंधन सरकार, जो बाबूलाल जी ने किया है, जो करा है वही कर रही है गठबंधन की सरकार। तो क्या हम मान लेंगे गठबंधन भाजपा के भरोसे चलती है उनकी राह पर? 27 प्रथम मुख्यमंत्री है, जितना विकास हुआ कोई भी ऐसा केस बता दे जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, कोई भी 27 माह में जितना विकास हुआ झारखंड का उतना उसके बाद रघुवर सरकार हुई। विकास हुआ हमारी सरकार? अभी जो कृतिका जी सुन लीजिए, शोभा जी क्या कह रही है, कृतिका जी सुन लीजिए। जी 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 जब से आए हैं, जब जब गठबंधन की सरकार रही है सिर्फ लूटने का काम किए। ये क्या भाजपा की बात करेंगे? भाजपा ने आपको नहीं सिखाया कि आप झारखंड को लूटने का काम कीजिए, 3.5 करोड़ जनता को छलने का काम किए? ये भाजपा ने नहीं, आप जैसे करनी कर रहे हैं उस कर्म, आपके कर्मों का फल है जो कि आज आप मुख्यमंत्री जेल चले गए और आपको फ्लोर टेस्ट में आना पड़ रहा। ये आपके कर्मों का फल है कि आप लोग तीनों गठबंधन मिलके आप लूटने का काम किए, तो आज जवाब को देना होगा जनता को। और कानून आप गलत नहीं कीजिएगा तो डर नहीं होना चाहिए, अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो आप आराम से निकल जाइए, क्लीन चिट निकल जाइएगा, लेकिन अगर सचमुच गलत किए होंगे तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, चाहे वो सबके लिए कानून समान है, वो मुख्यमंत्री हो या आम व्यक्ति हो, वो एक दिन जेल जाएंगे ही। शोभा जी, रघुवर दास की सरकार में देखा गया था कि मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने आय से अधिक धन अर्जित कर रखा है, तो इस पर क्या कहेंगी? देखिए कोई भी सरकार रहती है तो थोड़ा बहुत आरोप पड़ते होता है, लेकिन उसमें भी सरकार जब भी बीजेपी की रही अगर कोई उसके मंत्री गलत करते भी रहते हैं तो आप इसे बड़े अच्छे से घुमा फिरा कर कह देती कि कोई भी सरकार पर थोड़े बहुत आरोप लगते हैं। आरोप तो आरोप होता है ना शोभा जी, जब भी रहते आरोप। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक सेकंड। मंत्री जेल चले गए, इस्तीफा देके पूर्व मुख्यमंत्री जेल चले गए, तो वो
इतना बड़ा कांड करिए, इतना बड़ा लूटने का काम किए, ऐसा तो पूरा झारखंड के इतिहास में ही बहुत कम देखने को मिला। पहले एक आध बार हुआ है इस टाइप का जो मधुकोड़ा का समय रहा होगा तो, लेकिन मुख्यमंत्री पद के समय रहा है मैडम, मंत्री पद पे रहते हुए सिद्ध नहीं हुआ है, वो रिमांड पे गए हैं। आप दूसरी बात, आप आईटीआर उठा के देख लीजिए, आरोप प्रत्यारोप तो मैडम दूसरी बात है, आप गूगल कीजिए, अपने लोगों के अपने नेताओं की संपत्ति देखिए। अमर बौरी 7 लाख था उनका संपत्ति जब उन्होंने पहले अपना डिटेल दिया था विधानसभा चुनाव में, अब उनका संपत्ति 90 लाख हो चुका है पिछले चुनाव में। नीरा यादव 80 लाख से 4 करोड़ हो चुका है। आप बताइए ये कौन सी मशीन है कि 5 साल में आप लोग 50 गुना 100 गुना आपकी संपत्ति हो जाती है। मुख्यमंत्री ने अकेले के इतने जो पैसे हैं वो घुमाए हैं। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार की अगर पहला डेटा देखा जाए तो पूरे परिवार पर ही कोई ना कोई आरोप चल रहा है, फिर कल्पना सोरेन हो, दुर्गा सोरेन हो, सीता सोरेन हो, सीबू सोरेन हो, तो ये जो आरोप आप भाजपा पर लगा रही है आपकी सरकार पर भी है। पूरा पारिवारिक जो आप देखेंगे 2004 से ही देखे तो केस मुकदमा दायर हुआ था, उठा के देखे। मैं ये कहना चाहूंगी मैम कि ये जैसे कह रही थी ना, ये सब तो आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है। आरोप प्रत्यारोप जिस दिन साबित हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट हमारा कोर्ट भी कहता है जब साबित हो जाता है तब हम बोलते हैं कि ये गुनहगार है। और रही बात आप जैसे परिवार की बात कर रहे हैं तो इनको तो दिक्कत है आदिवासियों से, भाजपा को तो हमेशा दिक्कत है आदिवासियों से। आप देखिए छत्तीसगढ़ में इन्होंने कैसे छल किया, आदिवासी नेता को सीएम बना दिया डमी कैंडिडेट, और आवास योजना का जैसी नाम आया 40 लाख लोगों ने आवेदन दिया कि हमारे घर नहीं बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये लोगों ने आवेदन दिया। ये कहते हैं ये लोगों के गरीबों के लिए काम किए हैं। आप बताइए 40 लाख लोग कहां से आ गए। जैसी हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि हम गरीबों के लिए हम घर बनाएंगे, हम 2027 तक 40 लाख लोगों को घर देंगे, इनके पैरों चले तले जमीन निकल गया कि आदिवासियों को घर मिल जाएगा। चलिए आदिवासियों को परेशान करते हैं, कल फ्लोर टेस्ट है क्या सकता है, कितने विधायकों का विश्वास मत मिल पाएगा चंपई सरकार को, सबका, पूरे पूरे लोगों का। आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा सारे विधायक एक साथ एकजुट होकर ताकत के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और हमारी ही सरकार बनेगी चाहे बीजेपी अपनी कितनी भी राजनीति रणनीति लगा ले, झारखंड के आदिवासी लोग छलने वाले नहीं है। लेकिन आपके सरकार के विधायकों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि वो पार्टी बदल दल बदलने के आरोप लगे हैं आपके सरकार के विधायकों पर। आप इसका रेशियो देख लीजिए ना मैम कि भाजपा में कितने लोग रातों रात पार्टी बदलते हैं और कांग्रेस और जेएमएम में कितने बदलते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, आप बताइए जहां चुनाव होता है वहीं ईडी क्यों घर बना लेती है। ईडी भाजपा की सेकंड पार्टी बन चुकी है और ईडी सीबीआई जैसे एजेंट इनके थ्रू काम करते हैं लोगों को प्रताड़ित करने का। अगर आप किसी को भी प्रताड़ित करके उसको खत्म कर देंगी तो उसका विश्वास कहां जाएगा। तो ये हमारे नेताओं का विश्वास तोड़ने का काम भाजपा करती है कि चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हेमंत सोरेन सरकार की इतना अच्छा काम कर रही थी तो कैसे इनको तोड़ा जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए कि ये अपने जमीनी लेवल पे काम न कर पाए और भाजपा उसका फायदा उठा के सरकार बनाने की कोशिश करे, जो ये फिर फेल हो चुके हैं। और कल हमारे झारखंड में हमारी जेएमएम और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बिल्कुल शोभा यादव जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि कहा जाता है कि ईडी, और देखा भी गया है कि ईडी जो है एक संवैधानिक एजेंसी है, लेकिन इसके बावजूद आपके भाजपा के जो लोग हैं विधायक नेता तमाम उनके समर्थन में हमेशा ही बातें करते हैं, तो और जो आरोप लगे आए हैं कि ईडी और सीबीआई को भाजपा चलाती है, ये कितना सच है। देखिए ये सब गलत चीज है, गलत अफवाह इन लोग फैलाते हैं, क्योंकि आप जब गलत नहीं करेंगे तो ईडी सीबीआई क्यों आप पे जांच करेंगे। आप अगर कुछ गलत नहीं करे तो कोई आम आदमी को क्यों नहीं ईडी और सीबीआई पकड़ ले रहा। अच्छा, आप गलत करें रेट कितने का काम करेंगे, आप सरकार बदलने बड़े पोस्ट पर, आप ईडी का कन्विक्शन रेट बताइए मुझे मैम, ईडी का कन्विक्शन रेट मुझे बताइए। आप ईडी का अगर बोलेंगे कि कन्विक्शन रेट 20% भी है तो मैं आपके बात से सहमत हो जाऊंगी। आप लाखों केस करते हैं और लाखों केस में 0.5% कन्विक्शन रेट रहता है ईडी का, ये कैसा काम हुआ। आप ईडी के खेल में ईडी और सीबीआई चलिए।
कल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी रखी गई थी और कल विधानसभा में ये जो फ्लोर टेस्ट होना है, आपकी पार्टी से कैसे देखती है, क्या कुछ तैयारी है? अगर किसी कारणवश ये जो फ्लोर टेस्ट है इसमें पास नहीं हो पाती है चंपई सरकार, तो इसे भाजपा क्या करेगी आगे फिर इस पर? देखिए, ये तो आगे की बात होगी, तो हमारे बड़े राज्यपाल मोदी जी अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करेंगे, सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे इसमें। मोदी जी लेकिन हम लोग देख रहे हैं झारखंड पे पूरी तरह से नजर है कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की जो सरकार जो बनी थी, जो यहाँ की जनता को विश्वास और वोट लेके, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जनता को तकलीफ ना हो, झारखंड को आगे कैसे ले जाए, इस बात पे हम लोग हमेशा नजर रखते हुए। शोभा जी, चंपई सोरेन ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें तनिक भी डर नहीं है कि कल जो ये विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा इसमें फेल होगी उनकी सरकार, या उन्हें लगता है कि तमाम विधायक एकजुटता के साथ आज हैदराबाद से निकल ही जाएंगे और कल पहुंचेंगे विधानसभा में, ये एकजुटता देखने को मिलेगी? देखिए, जब दिया जलता है तो लास्ट में आप देखते हैं बहुत फड़फड़ाने लगता है, तो इसी तरह चंपई सोरेन भी अंदर से बहुत डरे हुए हैं, तो उनको भी लग रहा है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस इतना विश्वास से बोल रहे हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। अब कल का तो कल देखा जाएगा, लेकिन विधायकों को से मेरा आग्रह भी होगा, अगर सुन रहे हैं, कि आपको अपने क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक आप भ्रष्टाचार सरकार जी, आपके जो विधायक है, आपको 43 लोगों की ही जो वीडियो भी जारी की गई उसमें 43 लोग ही दिख रहे हैं, जो कई विधायक नाराज चल रहे हैं। बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही थी, नहीं बने, शपथ नहीं लिया उन्होंने। लोबिन हेमरम नाराज चल रहे हैं, सीता सोरेन असमंजस में है, क्या लगता है इस पर, आपकी सरकार कैसे एकजुटता के साथ आगे आएगी? देखिए, कहीं भी अगर लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं साथ में बैठते हैं जिनके अलग अलग विचारधारा हो, अलग अलग सोच है, तो वहां बात विचार जरूर होती है, पर विधायक दल का नेता ही तय करता है और विधायक दल जब मिलते हैं बैठते हैं तो बहुमत ही तय करेगी कि कौन सीएम रहेगा, कौन विधायक दल को आगे लेके बढ़ाएगा। तो हाँ, नाराजगी अपने में जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वो सरकार नहीं है, हमारी वो पार्टी नहीं है कि ऊपर से जो फरमान आता है लिख के चिट्ठी में कि ये सीएम रहेंगे उनको फॉलो कर देते हैं अंधभक्ति में। हम लोग बात विचार करते हैं और कहीं भी मतभेद जरूर होगा बात विचार में, मन भेद कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैम बार बार कह रही थी कि इनको दूर क्यों लेके जाना पड़ा, यहाँ क्यों नहीं, तो हाल फिलहाल में एक वीडियो न्यूज चैनल में बहुत चल रहा है महाराष्ट्र का, बीजेपी के एमएलए गणपत गायकवाड़ का, आपने भी देखा होगा उल्हासनगर में जैसे उन्होंने कई राउंड फायरिंग की और हॉस्पिटल में लोगों का, शिवसेना के जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। तो जहां ऐसे लोग हैं, जहां बीजेपी की सरकार ऐसी तानाशाही कर रही है कि ओपन फायरिंग कर दे रही है, ऊपर मारपीट कर दे रही है, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, वहां अपने लोगों को बचा के रखना तो बहुत जरूरी है। शोभा जी से सवाल है, शोभा जी से, हम फ्लोर टेस्ट पे बात कर रहे हैं अभी, कृतिका जी, शोभा जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम अपने लोग को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कल जो है विधानसभा में जाएंगे, उन्हें भी जाने की अनुमति दी गई है, और ऐसे में कई ऐसे विधायकों की बात कही जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नहीं आते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो कल की बात है, कल देखेंगे हम लोग आपके साथ ही कि क्या होता है, और पहले से किसी चीज पे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता। अच्छा, है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो 9वें समन के बाद 10वें समन के बाद वो ईडी से मिले, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से कैसे देखती है? पहले वो दिल्ली चले गए, लापता हो गए, उसके बाद गिरफ्तार हो गए, ये जो बहुत ही जल्दी से ये जो सियासी हलचल देखने को मिली इस बात पे कि अगर ईडी ने समन जारी किया, आप चले जाते हैं, आप बेकसूर हैं, आप कुछ नहीं किए, तो ईडी से सामना कर रहे हैं, ये तो कानून है, देश का कानून है, आप जाके उनके पास हर एक चीज आप क्लियर कर दें, बात खत्म है। भागने के और भी मुख्यमंत्री पद होते हुए उनको क्या डर है? उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं की सब सरकार है, उन्हीं के राज्य है, वो उनको डर भय किस बात का है? वो क्लियर करे जाके बैठ के। तो इन्होंने ये गलतियां तो उन्होंने किए हैं, जो भी परिस्थिति हो उनको भागना नहीं चाहिए। मेरा फाइनल सवाल आप लोग दोनों से एक एक करके बताइएगा शॉर्ट में, कृतिका जी आप बताइए कि पहले ही जब मुख्यमंत्री के नाम के पद दिए जाने थे, कल्पना सोरेन के भी नाम रखे गए थे, उस समय कई विधायक जो है नहीं चाहते थे कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, सभी मिलके चंपई सोरेन का नाम उन्होंने दिया, और अब कल जो विश्वास मत रखने हैं, फ्लोर टेस्ट है, कितना पास हो पाएगी इसमें आपकी सरकार, या फिर यहाँ कुछ अलग खेला देखने को मिलेगा?
खेला कोई भी देखने को नहीं मिलेगा मैम। 100% हमारी पार्टी पास होगी और हमारी सरकार बनेगी और चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड के बनेंगे। बिल्कुल शोभा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जो जैसे कि देखा जा रहा है विधायक नाराज चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ और बदल जाएंगे लोग? चाहूंगी जेएमएम के जितने भी लीडरों को कि उन्होंने परिवारवाद से उठ के एक ऐसे व्यक्ति को वो आगे लाए हैं, हिम्मत करके हिम्मत दिखाए हैं, पहले तो पत्नी, फिर भाभी, फिर भाई, फिर पिता, उसके बाद लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को सामने लाने के लिए काम किए हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको बधाई अभी से दे। अगर कल फ्लोर टेस्ट होते हैं मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं तो बहुत बधाई और स्वागत कर रहे हैं। बधाई चंपई सोरेन का स्वागत कर रहे हैं ना शोभा जी। उन्होंने अपने दिल को बड़ा करते हुए उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को आगे किया। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों ही गेस्ट का, शोभा यादव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से है और कृतिका त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस से है। और आज का जो हमारा विषय यही था कि चंपई का कल फ्लोर टेस्ट होना है चंपई सोरेन का, और इसमें देखना होगा कि वो कितने पास हो पाते हैं और इस पर कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई अपना मास्टर स्ट्रोक नहीं छोड़ती है या फिर कोई विधायक जो है पिछले बार के जैसा खेला ना कर दे। अब ये कल देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।